द लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट की जिस डायरेक्शन में जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, फ्रॉम योर आई टू दैट ऑब्जेक्ट इफ वी ड्रॉ अ लाइन, तो दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है कि अगर हम अर्थ के सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो ये आपका आई लेवल है, आई से जब आप ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो आपका एंगल बनेगा थीटा, दैट विल बी योर एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट करना मीन्स ऊपर की तरफ जाना। तो आई जब आपने अपनी ऊपर की तरफ रखी, यानी कि कोई ऊपर रखी चीज जब आप देख रहे हो, तो जो आपकी लाइन ऑफ साइट यानी कि आई से ऑब्जेक्ट तक एक लाइन ड्रॉ की, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाएगी, दैट एंगल जो है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद मान लो आई लेवल ये है आपका, आप नीचे की तरफ रखी कोई चीज देख रहे हो, तो अगेन आई लेवल से हॉरिजॉन्टल लाइन आप एक ड्रॉ करोगे तो ये जो आपका एंगल बनेगा, दैट विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन नीचे की तरफ जब आप देखोगे एंगल बनेगा, एलिवेशन जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपका जो एंगल बन रहा है। देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू नो कि ये जो उसकी लेंथ है फ्रॉम अर्थ सरफेस टू जो भी उसका ऊपर का टॉप पॉइंट बन रहा है, अगर कोई पर्सन है तो हेड तक ले लोगे, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके टॉप तक ले लोगे, तो दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इन पे बेस्ड जो है हमारी एक्सरसाइज है 9.1। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही होगी तो इट मींस आपने एंगल ऊपर की तरफ देखते हुए बनाना है, लाइन आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात होती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये वाला। तो उस केस में ये चीज आपको जो है वो डॉटेड शो करनी है, ये वाली लाइन, और इसके पैरेलल आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लोगे। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड द थर्ड वन इज इंटरसेक्टिंग, ट्रांसवर्सल जिसको आप बोलते हो, तो ये दोनों एंगल्स आपके थीटा होते हैं। यानी कि डील हम इसको एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ही करेंगे, बट जो आप फिगर बनाओगे, इन दैट फिगर यू आर टू शो दिस एंगल, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि आपको डिप्रेशन वाला जो कंसेप्ट है वो पता है। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू एज वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशंस इन अ डिटेल्ड वे। वी विल जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर, वी विल जस्ट डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। यू नो हाउ टू राइट डाउन दिस एंड यू आर टू डू दैट नाउ। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है, उसमें वो चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये अगर हमने वर्टिकल पोल लिया, वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड तक जिस रोप पे वो आर्टिस्ट चढ़ रहा है उसको टाई किया हुआ है, एंड उसको प्रॉपरली जो है स्ट्रेच किया गया है ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह जो है वो हम उसे डील कर सकें। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, यानी कि ये रोप है आपकी, दिस इज योर रोप, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज पोल। तो ये एंगल हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू बी 30 डिग्री। जो लेंथ ऑफ रोप आपको गिवन है, दैट इज गिवन टू बी 20 मीटर्स। लेंथ ऑफ रोप हमें 20 मीटर गिवन है, और जो है आपका एंगल ऑफ दिस एलिवेशन रोप का विद ग्राउंड, दैट इज गिवन टू बी 30 डिग्री। हाइट ऑफ पोल हमने निकालनी है। तो कल आपको मैंने बताया था हम यहाँ पे जो है कंसेप्ट यूज करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री का हमने किया था, टू ऑफ द थिंग्स आर गिवन, थीटा हमें गिवन है, हाइपो हमें गिवन है, वी आर टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपो के साथ जब हमें निकालना होता है तो परपेंडिकुलर और हाइपो के साथ वी हैव साइन थीटा। तो थीटा हमें गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर दिस इज द हाइट दैट वी आर टू कैलकुलेट, इसको हम एच ले लेते हैं। आप चाहो तो इनको एबीसी नेम भी दे सकते हो। अपॉन में हाइपो हमें गिवन है 20।
सो साइन 30 वैल्यू हमें पता है दैट इज 1/2, तो इसको आप पुट कर दोगे, दिस इज इक्वल टू एच अपॉन 20, एच इज 20/2, तो एच हो गया आपका 10, यानी कि हाइट ऑफ द पोल, क्योंकि बाकी यूनिट जो है वो हमें मीटर में गिवन है, तो हाइट ऑफ पोल जो हम लेके चलेंगे दैट विल बी 10 मीटर्स। सो लास्ट में आप आंसर लिख दोगे, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। प्रॉपर पूरा आप लिखोगे स्टार्टिंग में, लेट एच बी द हाइट ऑफ द पोल, इसको आप ए बी सी नेम दे देना, लेट ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू एच, ए सी इज द लेंथ ऑफ द रोप, बी सी जो है उसको मेंशन करो ना करो क्योंकि वो हमारा यूज नहीं हो रहा, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड दैट इज थीटा इज 30 डिग्री, सो साइन थीटा इक्वल टू इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग दिस साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, साइन थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, एच आपको कैलकुलेट करना है, 20 आपको लेंथ ऑफ रोप यानी कि हाइपो गिवन है, वैल्यूज पुट करके यू विल फाइंड आउट द आंसर। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। इन क्वेश्चन नंबर टू वी आर हैविंग अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, कि एक ट्री था, तूफान आया, स्टॉर्म आया, तो ट्री का जो टॉप पोर्शन है वो ब्रेक हो गया और ब्रेक करके वो टच कर रहा है ग्राउंड को, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, टॉप ऑफ द ट्री जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री जब वो ब्रेक करके टच कर रहा है ग्राउंड को विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये पूरा जो है ए बी, लेट दिस फुल इज द हाइट ऑफ द ट्री। अब मुझे ये निकालनी है, मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ एक पॉइंट सी जहां से जो ट्री है वो ब्रेक कर गया और ट्री जो है ब्रेक करके वो ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इट मींस जितनी लेंथ ये है द सेम विल बी द लेंथ ऑफ दिस, क्योंकि ये पोर्शन ब्रेक किया, ये पोर्शन ब्रेक करके ग्राउंड को टच कर रहा है, सो ये चीज आपने लेनी है। तो अब यानी कि जितना आपका ये एसी डिस्टेंस है द सेम विल बी दिस डिस्टेंस सी डी, तो अगर मैं इसको एक्स मान लेती हूँ तो दिस टोटल इज द हाइट ऑफ द ट्री, ये अगर मैं एक्स इसको मानती हूँ तो दिस बी सी डी इज अगेन इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये पोर्शन ए सी ब्रेक हुआ, सी से बेंड होके ये टच कर रहा है ग्राउंड को, तो ए को मैंने नेम यहाँ पे दे दिया डी, तो आई हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री, तो मैं बी सी को एच मान लेती हूँ, तो हाइट ऑफ द ट्री यानी कि आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच प्लस एक्स। सो आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर, लिसन टू द स्टेटमेंट वंस अगेन, वी आर हैविंग अ ट्री, the height of tree is AB, due to a storm it gets broken from its some portion, let us suppose that portion is C, C से ये break होके touch करता है ground को at point D, making an angle of 30 degree with the ground, distance between the point where the tree touches, where the top of the tree touches the ground from the foot of the tree, this distance BD is given to be 8 meter. ये distance हमें given है 8 meter. What we are to find? We are to find the height of the tree. तो height of the tree में mostly बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये h find out करके चले जाते हैं, but height of the tree ये वाला portion plus ये वाला portion है, that is h plus x. तो unit क्योंकि meter given है, तो इसका unit भी आपका meter आएगा. So you are to find this. It means हमें h find out करना है, हमें x find out करना है. अगर मैं ये right triangle BCD को देखूं, तो I am given this base and theta. Base को एक बार आपने perpendicular के साथ लेना है, base को एक बार आपने hypo के साथ लेना है, तो you will find out h and x, और उस h और x को जो है आप add कर दोगे, तो you will get your answer. तो सबसे पहले जो है हम इसमें h find out करते हैं. H means परपेंडिकुलर एंड बेस, तो परपेंडिकुलर एंड बेस मींस 10, परपेंडिकुलर इज एच, दिस इज 8. अब जो मुझे ये गिवन है
टेन थर्टी इसकी वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 1/√3। ये 8 हम इधर ले जाएंगे तो दिस विल बिकम 8/√3। अब क्योंकि अपॉन में रूट थ्री मैंने नहीं छोड़ना है तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, सो दिस इज 8√3/3। यूनिट क्या आ जाएगा इसका? मीटर। तो ये हमने एच निकाल लिया। नाउ वी आर टू फाइंड आउट दिस एक्स। अब इस एक्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, बेस है और हाइपो है, बेस एंड हाइपो इज रिलेटेड टू कॉस, तो कॉस थीटा सेम रहेगा 30 डिग्री, बेस इज 8 एंड हाइपो इज एक्स, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। कॉस 30 की वैल्यू यू नो दैट इज √3/2, दिस इज इक्वल टू 8/x। आप x इधर ले जाओगे, √3/2 आप इधर ले आओगे, तो x इज इक्वल टू 16/√3। अगेन आप इसको रैशनलाइज कर लोगे, सो दिस विल बी 16/√3। तो आई हैव x, आई हैव h। अब हाइट ऑफ द ट्री जो है, फॉर दैट यू आर टू एड दिस वैल्यू ऑफ h एंड x। एच और एक्स को आप एड कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर। सो हाइट ऑफ ट्री दिस इज इक्वल टू एच प्लस एक्स। एच है आपका 8√3/3, एक्स इज 16√3/3। इनको आप एड कर दो 16, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है, तो जब आप इनको एड करोगे तो सिंपली न्यूमिरेटर्स एड हो जाएंगे, सो दिस विल बी 24√3/3। 3 8s are, so this is 8√3 meters. So height of the tree is 8√3 meters. Root 3 ki value you can put down 1.73, otherwise you can leave your answer up to this point also. So height of the tree is 8√3. Humne jo broken part tha uski length nikal li, jo standing part of tree tha uski length nikal li, dono ko add kiya, so we have got the height of the tree. If any doubt is there, then you can raise your hand and you can ask your doubt. Now moving on to question number 3. Question number 3 mein we are having, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करती है कि 2 स्लाइड्स लगाएं चिल्ड्रन के लिए पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जिनकी एज 5 इयर्स से लेस है। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हूज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground, what should be the length of the slide in each case? अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। देखो, उसने क्या कहा कि जो है for the children below age 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो जो स्लाइड लगाना चाहती है, उस स्लाइड की जो हाइट है, she wants to keep that as 1.5 meter. So case one जो है, that is for children below 5 years, children below 5 years of age, तो 1.5 meter वो उसकी height रखना चाहती है, और angle कितना बनेगा ground के साथ, that is given to be 30 degree, यानी कि उसको वो बहुत ज्यादा steep नहीं रखना चाहती। Case two for the elder children, एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो इसको स्टीप रखना चाहती है, तो ये एंगल दैट इज 3 मीटर और ये हाइट 3 मीटर एंड एंगल 60 मीटर। अब पूछा क्या है उसने, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब ये स्लाइड होती है तो यू आर टू फाइंड दिस लेंथ इन बोथ द केसेस। अब परपेंडिकुलर गिवन है मुझे, थीटा गिवन है मुझे, आई हैव टू फाइंड आउट हाइपो। सेम, तो परपेंडिकुलर और हाइपो मींस वी आर टू गो विद साइन थीटा। साइन हमें पता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो आप साइन थीटा का लेके चलोगे दोनों केसेस में एंड यू विल फाइंड आउट।
सो साइन 30 दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हमें निकालना है. सो साइन 30 यू नो दैट इज 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो एसी आ जाएगा आपके पास 3 मीटर, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो लेंथ ऑफ स्लाइड है दैट शुड बी 3 मीटर. केस टू, बड़े बच्चों के लिए लेके चलना है हमने, तो इसको मैं पी क्यू आर ले लेती हूँ. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द लेंथ पी आर. अगेन मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो आई हैव टू कैलकुलेट, थीटा इज गिवन टू मी. तो परपेंडिकुलर एंड हाइपो मीन्स वी आर टू डील विद साइन थीटा. तो साइन 60 दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन पी आर दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो साइन 60 इज √3/2 दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन पी आर. तो यहाँ से आपके पास पी आर आ जाएगा 6/√3. अगेन डिनोमिनेटर में रूट आपने नहीं छोड़ना है, सो दिस विल बी 6√3/3 दैट इज 2√3. रूट थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे, अदरवाइज यू कैन लीव द आंसर इन दिस वे ऑल्सो. सो √3 यानी कि 2 × 1.73 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे. तो जो चिल्ड्रन हैं, लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 years दैट शुड बी 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन शुड बी 2√3 meters. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. सिंपली हमें परपेंडिकुलर गिवन था, हमें थीटा गिवन था, हाइपो लेंथ ऑफ द स्लाइड हाइपो बनाती है, तो दैट वी वर टू फाइंड आउट. इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क फॉर द डाउट. यू कैन रेज योर हैंड and ask for your doubt. In question number 4, we are having angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. हमें अब angle of elevation जो है निकालना है, given है. Angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. जो हमें point given है that is 30 meter away from the foot of the tower. Tower के foot से वो 30 meter away है. We are to find the height of the tower. Again simple है, हमें you can say कि हमें base given है और we are to find out the height of the tower. Tower की height जो है वो हमें calculate करनी है. So you can draw the figure for this. Right triangle आपका बन जाएगा. So I can see 35 participants are there. जिसमें से 2 IDs मेरे ही हैं. तो 33 जो है आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, यानी कि 15 students are absent. और अटेंडेंस आपको पता है आप लोगों की मार्क हो रही है. एंड जो इनकी अटेंडेंस 75% से लेस है, you know कि उनको रोल नंबर्स में फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सीबीएसई के भी कुछ रूल्स हैं. तो जस्ट अपने फ्रेंड्स को आप इन्फॉर्म कर दीजिए इस चीज के लिए रिगार्डिंग द अटेंडेंस. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर. तो ये टॉवर है, दिस इज टॉप ऑफ द टॉवर, दिस इज फुट ऑफ टॉवर. अब उसने क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर. तो फुट ऑफ द टॉवर से ये पॉइंट हमने ले लिया 30 मीटर अवे. इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर ये हमें गिवन है 30 डिग्री. सो वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ये मुझे निकालना है. तो लेट दिस बी ए बी सी. थीटा गिवन है मुझे और h फाइंड आउट करना है. 30 डिग्री बेस मुझे गिवन है, बेस गिवन है, थीटा गिवन है, परपेंडिकुलर आई हैव टू फाइंड आउट. तो परपेंडिकुलर और बेस दैट इज लिंक्ड टू tan. सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस मुझे जो है दैट इज गिवन टू मी एज 30. tan 30 यू नो दैट इज 1/√3. तो वैल्यूज पुट करोगे, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30. H is equal to 30/√3. Again, rationalize कर दोगे.
सो 30/3 इंटू रूट थ्री, सो ये कैंसिल आउट होके दिस इज 10√3. तो रूट थ्री की वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर. अदरवाइज अगेन यू कैन लीव योर आंसर अप टू दिस पॉइंट. एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द टॉवर. तो लास्ट में आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ टॉवर इज 10√3 meter. सो क्वेश्चंस इसके डिफिकल्ट नहीं है. मेन जो इसमें बनता है दैट इज कि आप फिगर अपना करेक्ट ड्रॉ करो. फिगर अगर आपकी गलत हो गई तो योर सॉल्यूशन विल बी रॉन्ग. जब इसके क्वेश्चंस चेक किए जाते हैं तो एग्जामिनर सबसे पहले फिगर ही देखता है. फिगर गलत है तो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, इवन इफ द स्टेप्स रिटन इन योर दैट सॉल्यूशन आर करेक्ट. अगर फिगर गलत है तो सब कुछ गलत है. तो फिगर ध्यान से आपने बनानी है. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है. अगेन मेन क्या है कि फिगर कैसे ड्रॉ करनी है आपने. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 meter अबव द ग्राउंड. काइट जो है वो 60 meter की हाइट पे फ्लाई कर रही है. अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 meter अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से 60 meter की हाइट पे फ्लाई कर रही है, यानी कि ये वर्टिकल हाइट मुझे गिवन है. क्योंकि हाइट वगैरह जब भी आप मेजर करते हो तो परपेंडिकुलर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो उसके अलोंग आप मेजर करते हो. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. काइट से जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसको टेम्परेली ग्राउंड पे एक पॉइंट से टाई कर दिया जाता है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 degree. इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 degree. ये हमने ग्राउंड ले लिया. अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. ये फाइंड आउट करना है, देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग का मतलब कि वी आर टू ट्रीट दिस AC एज अ स्ट्रेट लाइन. इसमें कोई भी ढील नहीं है, कोई स्लैक नहीं है, तो AC जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. सो थीटा गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो वी आर टू फाइंड आउट. नाउ एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी हाउ टू डू दिस. यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट. यस ऋषित. मैम साइन 60 degree हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंड हाइपो. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. साइन 60 इज इक्वल टू, यू कैन रेज योर हैंड अगेन. या यस मैम साइन 60 इज इक्वल टू 60/AC. 60 अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. साइन 60 की वैल्यू √3/2. वेरी गुड, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन AC. सो AC इज इक्वल टू 60 × 2. यू कैन म्यूट योरसेल्फ नाउ. सो दिस इज 120 अपॉन √3. अगेन अपॉन में √3 है तो रैशनलाइज कर लोगे आप इसको. सो दिस विल बी 120 √3/3, दैट इज 40√3. सो यूनिट मीटर ले लोगे आप इसका. सो 40√3 जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो आंसर आप लास्ट में लिखोगे. अगेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 meter. √3 की अगर गिवन होगी तो आप वैल्यू लिख देना, 1.73 या जो भी गिवन होगी, यूज √3 इक्वल टू दिस. अदरवाइज आप रूट की टर्म्स में यू कैन लीव योर आंसर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में अब डबल एंगल आ रहा है हमारा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना. क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन अ 1.5 meter टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 meter टॉल बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building. एक boy है जो 1.5 meter उसकी हमें height given है, वो 30 meter tall building से एक distance पे खड़ा है. जब वो जो है building की तरफ move करना शुरू करता है तो उसका जो angle of elevation है from the top of the tower
टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो 30 से 60 हो जाता है। अब इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि जैसे यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब जब ये वाली लाइन यहाँ मैं शो कर देती हूँ, अब ये मान लो सपोज एंगल इधर बन रहा है, अब जब मैं इसकी तरफ मूव करना शुरू करूंगी तो ये वाला जो डिस्टेंस है कम होता जा रहा है और ये वाला जो हमारा एंगल होगा ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब मैं ऐसे मूव करूंगी सेम पॉइंट से तो ये वाला जो एंगल होगा ये कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा स्टीप है, यहाँ पे ये कम स्टीप होता जाएगा। जितना हम किसी पॉइंट से दूर होते जाएंगे उतना जो ये एंगल है वो कम होता जाएगा। तो इन केस इफ यू आर हैविंग टू एंगल्स, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपका छोटा वाला एंगल होगा वो हमेशा आपने बाहर की तरफ लेना है, जो बड़े वाला एंगल होगा आपने वो हमेशा अंदर की तरफ लेना है। तो व्हेनेवर यू आर हैविंग टू एंगल्स, एक फिगर में आपके दो एंगल्स बन रहे हैं, तो आपने बड़े वाला एंगल हमेशा अंदर की तरफ लेना है, छोटे वाला एंगल हमेशा बाहर की तरफ लेना है। तो अब जो है हमारा यहाँ पे जो बॉय की लेंथ गिवन है हमें, दैट इज हाइट जो बॉय की गिवन है दैट इज 1.5 मीटर, और जब वो वॉक कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। हाइट ऑफ द जो बिल्डिंग है वो हमें गिवन है 30 मीटर। तो दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, 30 मीटर गिवन है हमें। मान लो बॉय पहले इस पॉइंट पे था तो उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा था, देन ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग तो एंगल चेंजेस टू 60 डिग्री। एंगल हमें गिवन है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ बन रहे हैं। अच्छा, अब इस केस में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, यहाँ पे हमें मेंशन्ड है दैट बॉय इज 1.5 मीटर टॉल, तो एंगल जो है वो हमेशा आई से बनता है। तो आई लेवल से अगर हम लेके चलें तो ये जो उसका डिस्टेंस हाइट है दैट इज 1.5 मीटर। आई लेवल से ऊपर जो आपका हेड तक का पोर्शन है दैट इज इग्नोर्ड इन दिस केस। तो आपने जो बॉय की टोटल हाइट है वो 1.5 मीटर लेके चलनी है, यानी कि हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि उसके हेड से जो है वो एंगल बना रहे हैं हम। तो ये पोर्शन जो है इट मींस ये जो है आपका 1.5 है, तो इधर से जो आपका लेवल बनेगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, क्योंकि हम हमेशा राइट ट्राइंगल को लेके डील करते हैं, तो जब हम राइट ट्राइंगल को लेके डील कर रहे हैं तो इट मींस जो अब हाइट ऑफ बिल्डिंग है उसमें से मुझे ये वाला जो 1.5 मीटर है ये वाला दिस आई हैव टू सबट्रैक्ट। तो यानी कि जो अब हाइट ऑफ बिल्डिंग मैं लेके चलूंगी इस केस के लिए दैट विल बी 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। तो जो मैं अपनी कैलकुलेशंस में यूज करूंगी दैट इज 28.5। अब कैलकुलेट क्या करना है मुझे यहाँ पे, आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो इतना डिस्टेंस जो है उसने मूव किया है बिल्डिंग की तरफ। नाउ यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल जो है मेरा ए बी के साथ ये वाला बन रहा है। तो आप जब भी इसमें लेके चल रहे हो, दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी डी, ये ई पॉइंट हो गया, डी ई जो है वो बॉय की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ट्राइंगल है मेरा ये ए बी सी एंड द सेकेंड वन इज ए बी डी। जब दो ट्राइंगल्स होते हैं तो एक वैल्यू दूसरे में हम हमेशा यूज कर सकते हैं। तो जब मैं यूज करूंगी ट्राइंगल ए बी सी, अब क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है तो आई विल गो विद द बेसिस। ए बी सी में आई एम गिवन द परपेंडिकुलर, बेस कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं। देन बड़े वाला ट्राइंगल मेरा बन रहा है ए बी डी, इसमें अगेन आई कैन कैलकुलेट दिस बेस बी डी। पहले वाले ट्राइंगल से मुझे बेस बी सी मिला, दूसरे वाले ट्राइंगल से मुझे बेस बी डी मिलेगा, दोनों का मैं डिफरेंस ले लूंगी तो मेरे पास जो डिस्टेंस जो बॉय ने वॉक किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग वो आ जाएगा दोनों को माइनस करके। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हमने ट्राइंगल ली, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी में बेस निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर गिवन है तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ जब हम डील करते हैं तो वी गो विद द टैन।
अच्छा, अब इसमें अगेन बेस जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट वी विल टेक एज 28.5 अपॉन बेस इज बी सी दैट वी हैव टू कैलकुलेट, 1060 रूट 3 हो गया, तो इनकी पोजीशंस आप इंटरचेंज कर दोगे, यहां से आपके पास 28.5 बाय रूट 3 आएगा, तो अगेन आप रैशनलाइज करोगे एंड यू विल गेट दिस बी सी डिस्टेंस जो है ये आपके पास आ जाएगा 9.5। तो यहां से अब ये आपने बी डी फाइंड आउट करना है, तो आप दूसरा ट्राइंगल ले लोगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, अगेन क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है और यहाँ पे एंगल जो है आपका 30 डिग्री है, तो टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सेम रहेगा 28.5 अपॉन जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी डी, टेन 30 इज 1/√3। सो यहाँ से आपके पास बी डी आ जाएगा 28.5√3। अब बी डी में से आप बी सी माइनस कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर, 28.5 में से आप 9.5 माइनस कर दोगे, बिल्डिंग इज 19√3 meters. So this will be your answer. So these were the first 6 questions that we had done today. Next questions we will do on Monday, and most probably with Tuesday we will finish this chapter, and after that one chapter is left for this term 2, that is surface area and volume, and in the revision we will just revise the extra questions. Yes, Rishit. मैम एक बार ये फिर से बता दो ये क्वेश्चन।